नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सिंगरौली जिले की तहसील चितरंगी अंतर्गत आज सीएम शिवराज सिंह का आगमन हुआ, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत समूह जन प्रदाय योजना अंतर्गत 1663 करोड़ से ज्यादा दी गई सौगात का उद्घाटन किया गया, जिसमें 673 गांव के 2,73,000 परिवार को पेयजल का फायदा मिलेगा। चितरंगी पहुंचकर सीएम द्वारा स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया और विकास योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी लगाई। चितरंगी कॉलेज में बीएससी बीकॉम संकाय की भी चालू किए जाने की घोषणा की गई है। चितरंगी विधायक अमर सिंह की समस्त मांगों को सीएम ने मंजूर किया। चितरंगी की सभी रोडों को बनवाने की मंजूरी दी। नल जल योजना के तहत गांव गांव समूह बनाने की घोषणा की। 30 से 40 किलोमीटर के बीच नए स्कूल खोलने की घोषणा की गई, जिसकी लागत 18 से 25 करोड़ की बताई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बालू फ्री में दिए जाने की घोषणा की गई। इसी तरह जनहित में और तमाम की गई घोषणाएं और जनपद पंचायत सीईओ को शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश दिया। वहीं 5,000 की रिश्वत लेने की शिकायत पर जनपद पंचायत के बाबू को जांच कर निलंबित करने के आदेश दिए और नायब तहसीलदार के भी कार्यों को भी जांच करने के आदेश दिए गए। उक्त कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांति सिद्धदेव सिंह सीधी, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह सहित जिले के सभी विधायक, सांसद रीति पाठक और तमाम भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।